बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने लोगों को डिस्को का मतलब समझाया। डिस्को किंग कहे जाने वाले लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट एंड डायरेक्टर बप्पी लहरी आज हमारे बीच नहीं रहे दोस्तों। 15 फरवरी 2022 यानी मंगलवार के दिन इनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर इन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश तो बहुत की पर ये कोशिश नाकामयाब रही। और 69 ईयर्स की एज में वो OSA नाम के एक चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनके स्टारडम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि इनका बनाया गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी बच्चे बच्चे को याद है। कोलकाता का एक लड़का कैसे बना बॉलीवुड का बप्पीदा, आइए जानते हैं। बप्पीदा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बप्पीदा का असली नाम बप्पी नहीं बल्कि आलोकेश लहरी है। उनके फादर अपरेश लहरी एक फेमस बंगाली सिंगर और इनकी मदर बांसुरी लहरी एक बंगाली म्यूजिशियन थी। बचपन से इन्हें म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे और इन्होंने बचपन में ठान लिया था कि मैं भी बड़ा होकर खूब नाम कमाऊंगा और ग्लैमर वर्ल्ड का ही एक हिस्सा बनूंगा। इन्होंने 3 साल की छोटी सी उम्र में ही तबला बजाना और गाने गाना भी शुरू कर दिया था। बप्पीदा ने म्यूजिक की ट्रेनिंग अपने पेरेंट्स से ली और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ये मुंबई शिफ्ट हो गए। काफी हाथ पैर मारने के बाद 19 साल की उम्र में इन्हें पहली बार एक बंगाली मूवी दादू में एक बंगाली गाना गाने को मिला, पर यह मौका उनके सपनों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। कुछ और वक्त तक स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 1973 में इन्हें फिल्म नन्ना शिकारी में लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के साथ तू ही मेरा चंदा तू ही मेरा तारा सॉन्ग कंपोज करने को मिला। अब मुकेश साहब गाना गाएं और वो हिट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। गाना एक हिट रहा और बप्पीदा की गाड़ी भी बॉलीवुड में चलना शुरू हो गई। इसके बाद बॉलीवुड मूवी जख्मी में इन्हें म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला, जिसमें बप्पीदा ने ना सिर्फ म्यूजिक दिया बल्कि एज अ सिंगर भी डेब्यू किया। 1976 में आई मूवी चलते चलते में म्यूजिक कंपोज करने के लिए इन्हें फेमस म्यूजिक मेकर BR इशारा ने मौका दिया, जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और इस मूवी के लगभग सभी गाने सुपर हिट रहे। इसके बाद BR इशारा ने ही इन्हें फिल्म आपकी खातिर में एक बार फिर से मौका दिया और इस बार भी बप्पीदा ने इस मूवी के लिए एक से एक जबरदस्त गाने बनाए। इसके बाद तो बॉलीवुड मूवी सुरक्षा, टूटे खिलौने और वारदा जैसे मूवीज में बप्पीदा ने अपने म्यूजिक से इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। धीरे धीरे वो सबके फेवरेट बनते जा रहे थे, पर फिर आई वो मूवी जिसने बप्पी लहरी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती की मूवी डिस्को डांसर ने इन्हें वो पहचान दिलवाई कि इस मूवी के बाद सबके मुंह में आई एम अ डिस्को डांसर सॉन्ग ऐसा चढ़ा जिसका बुखार आज तक नहीं उतर पाया दोस्तों। काफी वक्त से चलते आ रहे म्यूजिक स्टाइल को बप्पीदा ने डिस्को की फॉर्म में कुछ ऐसा पेश किया कि बॉलीवुड में उसके बाद से डिस्को एरा की शुरुआत हो गई और बप्पीदा को मिला डिस्को किंग का खिताब। बप्पी लहरी ने अपने करियर में हर तरह का म्यूजिक दिया है। आई एम अ डिस्को डांसर जैसा डिस्को सॉन्ग बनाने वाले बप्पीदा ही थे जिन्होंने किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है जैसी गजल भी कंपोज की है, जो कि इनकी जबरदस्त म्यूजिक नॉलेज का जीता जागता सबूत है। नमक हलाल, शराबी और हिम्मत वाला जैसी मूवीज में दिया हुआ इनका संगीत भला कौन ही भूल सकता है दोस्तों। पुरानी फिल्मों से बाहर आकर मॉडर्न मूवीज की बात करें तो द डर्टी पिक्चर में सबसे चर्चित गाना ऊ लाला तू है मेरी फैंटेसी, ये सॉन्ग बप्पीदा का ही कंपोज किया हुआ दोस्तों, और इस गाने को गाया भी उन्होंने ही था। इसके साथ ही 2013 में गुंडे मूवी का गाना तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी के जन्मदाता भी बप्पीदा ही है दोस्तों। बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने सैकड़ों बंगाली और साउथ मूवीज में भी अपना म्यूजिक दिया है। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए 1985 में आई मूवी शराबी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, 2012 में ऊ लाला सॉन्ग के लिए ये GIMA अवार्ड जीत चुके हैं और 2018 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनकी शादी 1977 में चित्राणी लहरी जी से हुई थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। बेटी है जिसका नाम है रीमा लहरी और इनका बेटा है जिसका नाम है बप्पा लहरी। बप्पी लहरी बॉलीवुड के उन गिने चुने संगीतकारों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में लगभग 50 साल तक राज किया है। इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए भी काम किया है और अभिषेक बच्चन के लिए भी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के साथ भी काम किया है और विशाल ददलानी और बेनी दयाल जैसे मॉडर्न म्यूजिशियन के साथ भी। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अद्भुत रहा है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में बप्पीदा का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। लेजेंडरी बप्पीदा की आत्मा की शांति के लिए हम सब दिल से प्रार्थना करते हैं।